हेलो फ्रेंड, लीजेंड ऑफ शानू का एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। जहां आज बवाल होने वाला है और ये डिस्क्रिप्शन, ये एक नॉबल एक्सप्लेन वीडियो होने वाला है। बट पिछले नॉबल एक्सप्लेन के हिसाब से एपिसोड में कुछ ज्यादा ही चीजें कवर हुआ है, सो उसे हम इस वीडियो में कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों, इसमें आप सभी का जो एक छोटा सा कॉम्प्लेंट्स है कि हम थोड़ा पीछे है एपिसोड के हिसाब से, तो मैं वादा करता हूँ मैं इस वीक में सब कुछ बैलेंस कर दूंगा। जिस पे आपका छोटा सा मदद चाहिए, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शानू के वीडियो पर एस यूजुअल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ना। तो हमारा एक्सप्लेन वीडियो शुरू होता है ये चैन से, जहां वो मून शैडो ब्रेसलेट उतार के हल्का महसूस करता है और जो ऑरा निकलने लगता है वो कमाल का था। देन वो चिल्ला के जिन यिंगशांग पर अटैक करता है और हमें एक बेहतरीन हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलता है। और जो ये चैन इतने टाइम से यिंगशांग से कैचअप भी नहीं कर पा रहा था, वो अभी यिंगशांग को पीछे पुश करने में कामयाब होता है। एंड आफ्टर द हैंड टू हैंड फाइट यिंगशांग कहती है, तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया। तभी ये चैन कहता है, क्या तुमने कभी मुझे लायक समझा? और वो हुआयुन का सील बनाते हैं। हाँ ब्रो, ये चैन ये भी कॉपी कर लिया। एंड जिसमें यिंगशांग फंसने लगती है, जैसे ये चैन फंसा था हुआयुन से लड़ने की वाक। बेसिकली एरे के रेंज पर आने से एरे दुश्मन का रफ्तार घटा देता है, जिससे जो एरे परफॉर्म किया उसे काफी मदद मिलता है। तभी यिंगशांग को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगते हैं, बट ब्रो शी हैव स्पिरिचुअल बॉडी, सो वो खुद की स्वॉर्ड निकाल के सील को बर्बाद कर देती है। बट सील को बर्बाद करने के लिए उसे ये चैन को अटैक करना था, सो अटैक करके दोनों बीच में आते हैं। और तभी ये चैन झेंगियांग का एक और डिसाइपल, सो बहुत सारे क्लोन बनाने में सक्षम है, उसका टेक्निक जो वो कॉपी किया उसे भी यिंगशांग के खिलाफ यूज करता है। बट यिंगशांग पावरफुल है, ये बात का एक बार और एहसास होता है, क्योंकि जिस तरह से उसने सारे क्लोन को हैंडल किया उसके तारीफ तो बनता है। एंड उसके बाद यिंगशांग एक खूबसूरत एल्यूजन टेक्निक आर्ट परफॉर्म करता है, जिसे सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी पोजेस करने वाला या वाले लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके एल्यूजन टेक्निक पर ये चैन पूरे तरह फंस जाते हैं, जिसे सबको लगने लगा ये चैन का गेम अभी ओवर, क्योंकि ये चैन का इल्यूजन में फंस चुका है, उसकी बॉडी फ्रीज होके रखा है एंड उसका सोल किसी खूबसूरत बगीचे में घूम रहा है। और यिंगशांग उसे कंपटीशन में हराने के लिए शॉट लेके आगे आ रही है। और जैसे ही यिंगशांग ये चैन का करीब पहुंचता है, तो ये चैन के चाहने वालों लोग उसे चिल्ला के जगाने की पूरी कोशिश करने लगती है। और उतने में ये चैन फाइनली जाग जाता है और यिंगशांग का शॉट उसके मुंह के सामने देख के वो ट्रू फायर एक्टिव करके यिंगशांग के काउंटर पर शॉट खड़ा कर देता है, जिसे देखकर वंस अगेन सब शॉक्ड होता है। एंड लॉर्ड एल्डर कहती है, अरे ये बच्चा अभी ठीक है। और तभी सभी लोग वंस अगेन फिर से हैरान होता है, क्योंकि ये चैन का शॉट जी यिंगशांग को हर्ट करा था उस अटैक के दौरान, जो आप देख सकते हो। एंड उसे देख के झेंगकुन कहता है, ये नामुमकिन है। तभी यिंगशांग उसकी चोट देख के ये चैन को पुश करता है, और जैसे ही दोनों पीछे हटता है तो ये चैन का मुंह से खून बाहर आता है, यानी एल्यूजन और उस प्रेशर दोनों का एक साथ उस पे प्रभाव तो जरूर पड़ा है। लेकिन वहां पीछे जाके खून साफ करके ये चैन कहता है, सपनों में घूम के बहुत अच्छा लगा। और उतने में जिन यिंगशांग स्पिरिचुअल बॉडी का एक बार और एडवांटेज उठाते हुए 3 नेचुरल क्लोन अपीयर कराती है, जिन्हें देख के ये चैन कहता है, ये क्या सीक्रेट मेथड्स है और क्या वो तीनों देवता है? और तभी वो देख के लॉर्ड एल्डर का फेस पर एक स्माइल आती है और वो एल्डर को कहती है, ये एक का तीन है, इस तरह की टैलेंट और मैजिक भी अवेकन हो गई है। जो सुन के एल्डर फू कहता है, अब ये चैन का खेल खत्म। यिंगशांग के सामने जहां तीनों के स्ट्रेंथ सेम है, दिमाग अलग होने के बावजूद, और उतने में नीचे सबकी मन में सवाल उठता है, आखिर ये कैसा सीक्रेट टेक्निक है? जहां एल्डर बायू और यूआर को कहने लगता है, ये लेजेंडरी सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक है, जहां 3 नेचुरल क्लोन फॉर्म होता है 1 क्यूआई से, और ये सीक्रेट टेक्निक तीनों क्लोन पर इक्वली स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तभी दोनों कहती है, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी 3 वर्सेस 1 होने वाला है। एंड उतने में जिन यिंगशांग ये चैन को पीटना शुरू करती है, जिसे ये चैन का मुंह से खून बाहर आता है,
और ये चैन पीछे आके रिएक्ट करता है, ये मुझे फोर्स कर रही है फॉर्म में आने के लिए, तो चलो हो जाए। एंड उतने में वो डोपलगैंगर फैंटम ओपन यूज करके क्लोन से पूरा मैदान भर देता है, जिसे देख के मुझे शैडो क्लोन जुत्सु का याद आ गया, इफ यू नो यू नो। देन तभी ये चैन का सारा क्लोन जिन इंशुआंग के तीनों बॉडी पर कूद जाता है एंड तीनों को पकड़ के वो गॉसिप एरेसिल ओपन करता है, बट जिन इंशुआंग को रोकना मजाक के बात तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी ये चैन उसे रोक के रखा है उसका ये मेथड को कॉपी करने के लिए, एंड निंगशुआंग को रोकने में उसका हालत खराब हो रहा है। फिर भी वो उसे रोक के मन में कहता है कुछ टाइम के बाद मैं सीक्रेट टेक्निक को कॉपी कर लूंगा, जिसके बाद यह 3-3 नहीं तो 2-3 होगा एंड वो सिचुएशन इस सिचुएशन से बेहतर होगा। बट तभी जैसे मैंने कहा, जिन निंगशुआंग को रोक के रखना आसान नहीं है क्योंकि वो ये चैन का हर एक क्लोन को धोने लगती है। तभी ये चैन काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा बैनेली पाम का यूज करता है, जिसे एक ब्लास्ट होता है। देन निंगशुआंग गुस्से से 9 हेवन प्रोफाउंड स्पिरिट यूज करके फिर से आतंक मचाना शुरू करती है, जिसके बाद निंगशुआंग का 2 क्लोन शॉट लेके ये चैन को घेरने लगते है और एक असली वाला कहने लगती है इट्स रेनिंग एवरी डे। तभी आसमान से ये चैन की ओर तेजी से बारिश गिरने लगते है, जो कि कोई नॉर्मल रेन बिल्कुल भी नहीं है। बस समझने के लिए आप ये जान लो, आप या मैं इस बारिश में होते तो हम जिंदा ना होते, बिकॉज वो एक और इल्यूशन है जी निंगशुआंग का। बट उस रेन से लड़ता हुआ ये चैन कहता है मैं ऑलरेडी एक राउंड हार चुका हूँ इस इल्यूशन के चलते, तो तुम सोचती हो मैं एक बार और हार जाऊंगा। तभी जी निंगशुआंग कहती है द रेन फॉल्स, यानी काम हो गया। बट ये चैन फिर भी कोशिश करता है और वो कहता है अगर तुम कचरे से लड़ना चाहते हो तो तुम रॉन्ग पर्सन चूज किए हो, एंड वो हवा में क्लोन के साथ इनेट गैंग वार आर्मर परफॉर्म करता है। देन उसके तुरंत बाद गॉसिप एरे मैप और डोपलगैंगर फैंटम और ये सब देख के जी निंगशुआंग एक बार फिर से इट रेनिंग कह के 3000 फ्लोर वर्ल्ड अपीयर कराती है, एंड ये चैन वंस अगेन उस खूबसूरत नजारा में फंस जाता है, जहां बेशक खूबसूरती बहुत है बट जी निंगशुआंग का ये अटैक जितना खूबसूरत होगा उतना पॉइजनस भी, ये जरूर याद रखना। इसलिए ये चैन को कुछ तो करना होगा और तभी ये चैन को उसका ट्रू फायर के साथ हमें देखने को मिलता है और तभी उसका होश आता है और वो कहता है क्या मैं हार गया, और उसका सारा क्लोन गायब होने लगता है, बिकॉज जी निंगशुआंग कोई मजाक का अटैक बिल्कुल भी नहीं करता। एंड सच कहूं तो उस मोमेंट पे, यानी जब ये चैन का मुंह से खून निकला क्लोन गायब होने के बाद, तो तभी जी निंगशुआंग सैड होती है, बट क्लान यानी सैक के खातिर वो ये चैन को 9 हेवन प्रोफाउंड स्पिरिट सील से उसे बांध देती है, जिसे खुद ये चैन भी शॉक्ड होता है बिकॉज अभी मालूम नहीं उसे वहां से वो कैसे निकलेगा खुद को। तभी वो देख के एल्डर कहने लगता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये चैन उस प्रिजन को ब्रेक ना कर पाया तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। और तभी वो देख के झुगे और शांगवान एल्डर कहता है तो ये है स्पिरिचुअल बॉडी का पावर, एंड यू आर और बाय यू ये चैन के लिए फिकर करने लगती है। और तभी एरिना में मौजूद जो लोग ये चैन को पसंद करते हैं वो लोग उसके लिए मायूस जरूर होता है, बट उसके दुश्मन जैसे जेंगकुन खुशी से रिएक्ट करता है मार डालो उसे। तभी लॉर्ड एल्डर रिएक्ट करती है इस जेनरेशन का स्पिरिचुअल बॉडी बहुत पावरफुल है, जो इतने कम टाइम में बहुत इवॉल्व हुआ, बहुत सारे मैजिक और टेक्निक को भी अवेकनिंग ऑलरेडी कर लिया, सो इस बार ये चैन बचने से रहा। और तभी एल्डर फू कहता है क्या लॉर्ड ये चैन को बचाएगा, क्योंकि उसका टैलेंट उतना खराब नहीं है तो उसे ऐसे ही मरना नहीं चाहिए। जहां लॉर्ड कहती है रूल्स के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि टियानशिन गेट मुझे बाधा लगा दिया ग्रेट चू के मामले में पढ़ने से। और तभी लोटस यानी जी निंगशुआंग ने जो परफॉर्म किया लोटस का प्रिजन, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, एंड उसे क्लोज होता हुआ देख के ये चैन रिएक्ट करता है इसे कैसे ब्रेक किया जाए, ये 3 फॉरबिडन लॉ को तोड़ना मेरा औकात का बाहर है, क्योंकि ये ना मंत्र पढ़ के वहां से बाहर आ सकता है ना ही उसका हेवन थंडर पावर और ट्रू फायर, बिकॉज वो ऑलरेडी दबा हुआ है।
बट जैसे ही वो और सोचता है आखिर वो प्रिजन ब्रेक कैसे कर सकता है, तो उसे स्ट्रेंथ का ख्याल आता है, मैं ताकत से ही इस प्रिजन को तोड़ पाऊंगा। बट प्रिजन उसे वो मौका बिल्कुल भी नहीं देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और वो दबोचने लगता है, जिससे उसका मुंह से खून निकल आने लगते हैं, जहां ये एपिसोड खत्म होता है। क्योंकि उसके बाद बहुत से डिटेल्स है जिन्हें अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो पूरा एक घंटे तो यूं ही निकल जाएगा। सो अगर आप लंबे वीडियो देखने का प्रॉमिस कर सकते हो तो मैं श्योर आपके लिए वो भी एक दिन जरूर करूंगा। बट मैं अगेन कहना चाहता हूँ कल का फाइट मस्त होने जा रहा है और उससे भी बड़ा बात हमें उस कंपटीशन का रिजल्ट भी शायद देखने को मिले। तो वो वीडियो कल ही देखने के लिए 1K लाइक और 100 कॉमेंट करना है, नहीं तो मैं परसों डालूंगा। सो भाई बाकी सब आपके ऊपर है, आप अगर कल ही देखना चाहते हो या परसों आप डिसाइड कर लो। बाय।